कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे कहावत होती है कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, तो मेरी माँ बोलती थी पांव तो उतने ही रहेंगे जितने हैं, तो चादर को थोड़ा बड़ा करते रहो, पैरों को मत सुखड़ाओ। तो मेरी माँ ने ये सिखाया था। एक चीज हमेशा याद रखना, टेक माय वर्ड फॉर इट, कभी भी किसी से ये मत बोलना कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ये बेवकूफ लोगों की निशानी। नेवर गिव दिस पावर टू एनीबॉडी। विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक, आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? नंबर वन, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं, उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। I know that I am example. I know 100% in the pitch and outside the pitch. So I'm always smile. I'm happy, man. I'm blessed that I play in a fantastic club. I have a fantastic family. I have 4 kids. I'm healthy. I have everything. So the rest doesn't interfere on me. So I'm very, very glad. जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट। ये मुंबई में बाजू में हमारा समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की। नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, अपने पैशन को अपनी जिंदगी में बदलो। मुझे पता है इस चीज को, क्योंकि मैंने जितने लेजेंड से मिला हूं, सब में 2 चीजें कॉमन थी। पहला, उन्हें हमेशा से वही बनना था, आज वो जहां पर हैं, उनने अपने रूट्स नहीं बदले। दूसरा, उन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो सभी बहुत डिसिप्लिन लोग थे। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। कि विचार कितना भी उच्च कोटि का हो, आइडिया कितना भी बड़ा हो, जब तक उसके पीछे असली लोगों की मेहनत और मशक्कत नहीं लगती, तब तक उस आइडिया का कोई मायने नहीं है। अपने लिए करता है ना तो एहसान फरामोश नहीं बनेगा, टाइम हर किसी का। अभी एक शायरी सुना था मैं, आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में है ना, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। इतना गुरूर ना कर शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में कल किसी और के मुट्ठी में होगा। टेम्पर वारी आज तेरे पास है ना, संभल के रखो ये। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो। आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार। चाहे उसमें ज्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। मैं दोस्त को अपनी फैमिली मेंबर जितना महत्व देता हूँ। दोस्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर जरूरत पड़े दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया? मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ दोस्तों के लिए, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। बोल दिया तो फिर दोस्ती खत्म हो जाती है। सही कहा आपने। कभी कोई ऐसा दोस्त आपका मिला है जिसने आपकी दोस्ती का नाजायज फायदा? बहुत से मिले। आप ये पूछिए कभी कोई ऐसा मिला है जिसने नहीं उठाया? फर्क है, मगर वो फिर दोस्त रहते भी नहीं ना ज्यादा देर तक।